सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इकबाल शेफ, इकबाल शाह देख रहे हैं आप शेफ 21। खुश आमदीद कहते हैं जी। रमज़ान का महीना, इबादतों का सिलसिला बिल्कुल जारी है जी। आज इंशाल्लाह 24वें रोज़े की अवतार होगी इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान में। हो सकता है कुछ दुनिया के मुल्क हमसे ज़रा आगे भी होंगे। सिलसिला जारी है जी, और इसी बात के साथ आगाज़ करेंगे। इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, और होगा वही जो मेरी चाहत है। बस तुमने सुपर्द कर दिया उसमें जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। और अगर तुमने नाफरमानी की उसमें जो मेरी चाहत है, तो फिर मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। तो यकीनन सुपर्द कर दीजिए उसमें जो अल्लाह ताला की चाहत है। आज रेसिपी जो शेयर करें जी, बहुत ज़्यादा फरमाइश आती रही, पर्सनली डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। आज रेसिपी शेयर करने जा रहे जी खाउसे की। खाउसे स्पेगेटी का बहुत मज़े का रेसिपी इंशाल्लाह होगी तैयार। साथ ही मेहमान मौजूद है जी हमारे इस वक्त, हमारे इस वक्त शो में, जो माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आवाज़, उनकी आवाज़ दिल को छू लेती है जी। कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़, आपने उनकी आवाज़ YouTube पे भी सुना होगा, बहुत व्यूज़ भी हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं, और हमारी टीम भी सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे कॉन्टीन्यूसली कह रहे थे। तो आज मौजूद हैं हमारे साथ इमरान बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, और माइक प्लीज़, माइक जी। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम जी, खुश आमदीद कहते हैं इमरान भाई। और इमरान बाकर साहब, देखिए बहुत से लोग ज़िंदगी भर कोशिश करते हैं, कलाम भी पेश करते हैं और भी, लेकिन उनकी आवाज़ शायद सबका दिल नहीं छू पाती, लेकिन आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, कलाम आपका, दुरूद उन पे, सलाम उन पे। बस ये अल्लाह ताला की करम नवाजी हुई मुझ पे। मैंने ये एल्बम किया था 2012 में। अच्छा। और बस इसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि ये ही एक कलाम था कि जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया माशाल्लाह। और मुझे भी इस कलाम के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि यार ये फेमस हो जाएगा। और अक्सर लिखा किसने था ये? मेरे एक बहुत ही सीनियर नौहा खां हैं, हमारे एक दोस्त हैं जी जी, उनका नाम है ज़मीर हुसैन अंजुम साहब। ज़मीर हुसैन अंजुम साहब जी, ये उनके लिखे हुए लफ्ज़ थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ पढ़ा है तो बहुत लोगों ने पसंद किया इसको, माशाल्लाह। इसकी शायरी, इसकी ट्यून, और ट्यून जो थी इसकी, वो हमारे एक, वो भी हमारे एक बहुत सीनियर नौहा खां शफाकत मिर्ज़ा साहब, माशाल्लाह, उन्होंने इसे कम्पोज किया था। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इमरान भाई, बाकी कुकिंग तो होगी सब कुछ, लेकिन हम चाहेंगे अगर इस महफिल का आगाज़ आप किस कलाम के साथ हो जाए तो इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा जी। बिल्कुल, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। दुरूद सलाम उन पर मेरे नबी का, दुरूद उन पर सलाम उन पर मेरे नबी का जो है खरान। वाह 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 वाह, है जिनके दम से जहां की रौनक, जहाँ का मौसम भी है सुहाना। दुरूद उन पर
महबूब किबरिया की क्या बात माशाल्लाह नहीं है वुसअत मेरे बयां में मकाम महबूब किबरिया नहीं है वुसअत मेरे बयां में रहमान खुद कर रहा है सल्लो अला का हर वक्त ये तराना दुरूद उन बना के तस्वीर मुर्तजा की कहा ये जिब्रील से खुदा ने बना के तस्वीर मुर्तजा की कहा जिब्रील से खुदा ने रहे ना कोई कमी कहीं पर लुटा दो सब हुस्न का खजाना दुरूद उन कनीज़े खालिक जनाबे ज़हरा ए जिनके दम से गया जहां में कनीज़े खालिक जनाबे ज़हरा ए जिन से हया जहां में जुबान खोले तो आयते हो रुके तो तत्हीर का खजाना दुरूद उन पर सलाम का मकता आप लोगों की समाधों की नजर करना चाहूंगा ऐ मेरे परवर दिगार हमको दिखा मदीने की पाक नगरी ऐ मेरे परवर दिगार हम दिखा दे कर वो भला की नगरी आमीन आमीन जहां पे इमरान और अंजुम अदा करे सोज पंजगान दुरूद उन पर वाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह इमरान भाई माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और अल्लाह आपको इसका अजर दे और बहुत मज़ा आ गया जी बहुत शुक्रिया थैंक यू अच्छा इमरान भाई साथ ही हमने ज़ाहिर है जितने लोग मौजूद हैं और बिल्कुल अलग ही महफिल में हम जा चुके थे अलग ही समा था लेकिन साथ ही इमरान भाई ज़ाहिर है अफ्तारी की भी करनी है तैयारी खौफ से बना रहे जी कुकिंग में इंटरेस्ट है खाने में तो इंटरेस्ट होगा आपको मुझे खाने में तो बहुत इंटरेस्ट है ना तो जितने दोस्त मौजूद है देखिए जी खौफ से के लिए यहाँ बोनलेस चिकन मौजूद है जी हाफ के जी नूडल्स बॉइल्ड मौजूद हैं नूडल्स जैसे स्पैगेटी
ठीक है जी, दही ऐड करनी है, साथ ही बेसन इसकी मजे की कड़ी बनाने के लिए, अदरक लहसुन मौजूद है जी, कोकोनट पाउडर यह मज़ा होता है इसके लिए, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक चार मसाला, लाल मिर्च, जीरा, तो और क्विकली आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वक्त कम है जी। 24वें रोजे की अफ्तार इंशाल्लाह आज पाकिस्तान में होगी। तो बात कुछ इस तरह से कि इस मिक्सिंग बाउल के अंदर ही हमने ये सब कुछ ऐड करते हैं, बल्कि ये बाउल ले आते हैं जी, ठीक है जी। और इस बाउल के अंदर इसकी जो करी बनाने के लिए एक कप बेसन शामिल किया, 1 कप लगभग, ठीक है जी। इसी के अंदर ये इमरान भाई देखिए, आप देखिए दही भी ऐड करें जी, लगभग 3 कप, 1 कप बेसन, दही ऐड की, साथ इसमें सफ़ेद जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक हसबे जायका ऐड किया और इसे ज़रा मिक्स कर लेंगे जी, ठीक है जी। इसे अच्छी तरह से आपने बीट कर लीजिए, फेंट लीजिए, और इसमें ज़रा सा हमने इसी के अंदर हमने ज़रा सा पानी भी शामिल करते हैं ताकि ये ज़रा डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि जब इसे हम कुक करने जाएंगे तो ये काफ़ी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो इसे ज़रा हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। बीट इट वेल, और जितने लोग मौजूद हैं पाकिस्तान थ्रू आउट दी वर्ल्ड देखिए, ये देखिए, और जो लोग इमरान भाई से बात करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं, सिलसिला जारी। और ये देखिए, ये ऐड करते हैं स्पोर्ट के अंदर ताकि हमारी खावसे की करी तैयार हो जाए। और इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं जी कॉल पे सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सना, क्या आप हमें सुन सकती हैं? जी सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए, खैरियत है सना? जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आपकी रमजान की रेस्ट्रिक्शन बहुत जबरदस्त जारी है, और जो सुबह आप शहरी में आते हैं वो भी मैं देखती हूँ, 2:30 बजे शुरू होता है आपका प्रोग्राम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज आप कढ़ी बना रहे हैं सर? जी खावसे बना रहे हैं, उसका ये हिस्सा है। ठीक है ना, इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, मैं नोट कर रही हूं रेसिपी। जी जी जरूर, आपने कलाम सुना अभी, सारी डिशे बहुत जबरदस्त बनती है। आज मैंने अंडे छोले बनाए हैं, आपने ट्राई जो बनाए थे वो ट्राई करें, मैंने बहुत टेस्टी बने हैं। क्या बात है जी, ईद की तैयारी हो गई आपकी सनम? जी हाँ हो गई, थोड़ी बहुत रह गई। हो गई, चले ठीक है जी, जबरदस्त। लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाती है ना मार्केट है, तो इस वजह से। जी 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 जी, आपकी तैयारी हो गई? हाँ बस हम लगे हुए तैयारी में ईद की। इमरान भी आपकी तैयारी हो गई? इमरान भाई ने नात पढ़ी। क्या कह रही हैं, तो फिर से बोले? इमरान भाई ने अभी बहुत जबरदस्त नात पढ़ी अभी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सारा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने कलाम को पसंद किया, माशाल्लाह आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। जी बहुत शुक्रिया, बस आप लोगों की जो है ये, इसको आप लोग सपोर्ट कह लें, मोहब्बत कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पसंद करने का, शुक्रिया जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है जी दोस्तों, ये हो रही है तैयार, और साथ ही हमने इसका जो चिकन का मसाला भी होगा तैयार। तो ये देखिए प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी, जब तक ये कुक हो रही है। अच्छा इमरान भाई, मैं ये चिकन भी ज़रा काट लेंगे और आपसे एक और कलाम भी सुनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो बस सिलसिला जारी है, और क्विकली फाइनलाइज भी करना है जी, ठीक है जी। बोनलेस चिकन से काट लेंगे, बल्कि इमरान भाई फरमाइश है, ये एक और कलाम अगर हो जाए जब तक हमारी ये करी हो रही है तैयार, तो मैं मज़ा आ जाएगा, फिर उसके बाद अफ्तार की भी तैयारी करेंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल कलाम सुनाता हूँ। जी जी माशाल्लाह, मैं एक मनकबत इमाम हुसैन अलैहि सलाम की शान में। जी जी जी, आप लोगों की प्लीज, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। देख के तू ए दवास्ता, ओ मंग ले दुआ, ओ रब जाने ते हुसैन जाने, ओ रब जाने ते हुसैन जाने, ओ रब जाने ते हुसैन जाने, ओ रब जाने ते हुसैन जाने। देख तू ए दवास्ता,
मांग ले दुआ ओ रब जाने ते हुसैन जाने ओ रब जाने ते हुसैन जाने। वाह वाह वाह। इतनी नमाज पढ़ हो ना बेचैन जितनी पढ़ावे अज तैनू हुसैन। वाह 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 क्या बात। इतनी नमाज पढ़ हो ना बेचैन जितनी पढ़ावे तैनू मेरा हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा ओ कहदा खुदा ओ रब जाने ते हुसैन जाने ओ रब जाने ते हुसैन जाने रब जाने ते हुसैन जाने ओ रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलादे कीती हुसैन मेरी झोली आबादे। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलादे कीती हुसैन। वाह वाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है जी इमरान भाई। और साथ ही जी दोस्तों ये मीट भी ज़रा काट लेंगे सिंपल रखा चिकन और से बोनलेस करें। मुख्तसर से वक्फा है, वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो ये बाकी प्रोसेस भी जारी रखेंगे। बल्कि हुमा ज्वाइन कर चुके हैं जी तो बात करते जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। हुमा कैसी हैं आप जी? हुमा खुश आमदीद कहते हैं जी और क्या कहेंगी आप? जी आमीन आमीन बस दुआओं का सिलसिला जारी रखिए हुमा। जी जी ठीक बेशक बेशक जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल हुमा ऐसा ही जी ख्वाब से बना रहे हैं अभी तो खैर आगाज है। हाँ, सही है। ठीक है जी हुमा खुश रहें शायद आप बात हैं। थैंक यू। एक मुख्तसर सा वक्फा और मीट काट रहे हैं जी। वक्फे के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी तो ब्लड से कब्र। वेलकम बैक टू अवर शो खुश आमदीद कहते हैं जी। खौफ से कर रहे हैं तैयार करीबन रही है बाकी प्रोसेस और इमरान बाकर साहब मौजूद जी और जिनसे डिस्कशन जारी और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ खूबसूरत कलाम पेश किया। खौफ से के लिए यहाँ पर ये जो बोनलेस चिकन मौजूद जी इसी के अंदर मैरिनेट कर लेते हैं जी। तो दही शामिल करें जी एक कप, साथ ही मिर्चें। तो इमरान भाई मिर्चें कम या ज़्यादा आपको पसंद है? कम हो लेकिन ये दही का क्या मकसद होता है? ये दही इसकी मैरिनेशन के लिए शामिल कर रहे हैं। अच्छा ताकि एक इसका टेक्सचर जरा
और मजे का आ जाए और उसमें ऐड भी होता है जहर। ठीक ठीक है जी। उसके साथ ही वो अज्जा जहाँ से जायके का आगाज हुआ, कौन सा अज्जा, किस स्पाइसेस से जायके का आगाज हुआ? नमक से। बिल्कुल नमक और अदरक लहसुन पिसा हुआ एक चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा ये लगभग 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गर्म मसाला ऐड किया और इसे ज़रा मैरिनेट कर लेंगे। कुकिंग ऑयल लगभग 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल भी शामिल किया और इसके बाद से रानवे से अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे जी। कभी आपने कुकिंग या रेसिपी ट्राई की ज़िंदगी में कुछ बनाने की? ये ज़िंदगी भर ये मैं सच कहूँ तो मेरी फैमिली भी देख रही होगी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया कभी। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मटन चिकन बहुत शौक से खाता हूँ। सच बोला भाई। ठीक है जी, इसे अच्छी तरह से मैरिनेट किया, कुछ देर रखिएगा जरूर ताकि इसका फ्लेवर और ज़रा। लेकिन मेरी जो मिसेज हैं वो बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, मिसेज तो क्या बात है जी, ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, अब ये जो मैरिनेटेड ये ऐड करते हैं इसी के अंदर, कुछ देर आप रख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। ठीक है जी, ताकि इसका टेस्ट भी ज़रा और मज़े का हो जाएगा। तो प्रोसेस जारी है जी। तो कितना अर्सा हुआ है इमरान साहब आपकी शादी को? और मेरी कितना अर्सा हुआ आपकी शादी को? तकरीबन 8 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो लाइफ सेट है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई जो नए लोग जो शादी करने जा रहे हैं उनको टिप देना चाहेंगे कुछ कि क्या मतलब ज़रूरी है? मैं तो यही कहूँगा कि शादी बहुत ज़रूरी है। शादी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर वक्त अगर टाइम से हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या बात है, क्या बात, वाह जी वाह, शादी ज़रूरी है और वक्त पे ज़रूरी है। और शेफ साहब से मैं पूछूंगा कि आप शादी कब कर रहे हैं? कहते हैं नसीब की बात होती है, जोड़े आसमान पे बनते हैं। तो जब अब तो कर लेनी चाहिए आपको भी, काफ़ी अरसे से आपको आपको लगता है कि जोड़े आसमान पे बनते हैं नसीब की बात है या इंसान के एफर्ट से होती हैं शादियाँ? कुछ एफर्ट भी ज़रूरी होती है और जहाँ तक बात जोड़ों की तो उसमें कोई शक नहीं है, वो तो आसमान पे ही बनते हैं। लेकिन एफर्ट भी ज़रूरी है, एफर्ट बहुत ज़रूरी है। क्या बात है जी, माइंडसेट पॉजिटिव होना ज़रूरी है। माइंडसेट पॉजिटिव, क्या शादी के बाद माइंडसेट नेगेटिव नहीं होता? नेगेटिव होता है लेकिन होना नहीं चाहिए। होना नहीं चाहिए, क्या बात है जी। ठीक है जी, बस ये प्रोसेस जारी है और जब तक इसका प्रोसेस जारी है इमरान भाई कोई एक और नाद या कुछ भी आप पेश करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह। एक बहुत खूबसूरत कलाम है, काफ़ी पुराना और काफ़ी मशहूर कलाम है, बाबा मैं इससे आगाज़ करूँगा। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, वाह वाह वाह, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, घर सुहाना मेरे हुजूर का है, वाह वाह, दिल ठिकाना एक पल में एक पल में हजार आलम में
एक पल में हजार आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है आना जाना मेरे हुजूर का है दिल ठिकाना। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। और देख लेते हैं जी हमारे खाउसे का ये चिकन कहाँ तक पहुँचा, प्रोसेस जारी है, ज़रा से इसकी भुनाई भी कर रहे हैं और कुछ ही देर में इंशाल्लाह ये तैयार होगा। अब ये जो हमारी काबसे की जो करी बन रही है जी, मज़े की जी, अब इसके अंदर हमने ज़रा सा ऐड करना है लगभग 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच के बराबर ये कोकोनट, ठीक है जी, पिसा हुआ नारियल इसी के अंदर ऐड किया। और जितने ख़वातीन या मर्द हजरात जो नोट कर रहे हैं, कोकोनट हमने कुछ देर के बाद शामिल किया, कुछ लोग कोकोनट मिल्क भी ऐड करते हैं लेकिन हमने सिर्फ कोकोनट ऐड किया है, ठीक है जी। तो यहाँ बुनाई का सिलसिला जारी है और ये देखिए माशाल्लाह जी, एक छोटे से वक्फे की जानब भी जाएंगे और इमरान भाई से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, खुश रहें, शादोआबाद रहें। और जाते हुए वही कलाम की बहुत ज़्यादा दोस्तों ने फरमाइश भी की, दुरूद उन पे, सलाम उन पे, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शादोआबाद रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, कामयाब। K21 चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया, पूरी टीम को बहुत ज़्यादा दिल से अप्रिशिएट और थैंक यू सो मच, खुश रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। दुरूद उन पर सलाम उन पर मेरे नबी का जो है कराना, क्या बात। दुरूद उन है जिनके दम से जहां की रौनक, जहां का मौसम भी है सुहाना। दुरूद उन हुसैन सब्रो शुक्र की मंजिल, हुसैन वारिसे अंबिया है, हुसैन सब्रो शुक्र की मंजिल, हुसैन वारिसे अंबिया है, हुसैन अजमत दो जहां है, जिसे न भूलेगा ये जमाना। हसन जहां का हसन जहां का मीर ऐसा, खयात जिब्रील सा फरिश्ता,
बहिश्त जागीर मुझ तबा की है जिसमें पंज तन का आना जाना दुरूद उन वेलकम बैक टू अवर शो, खुश आमदीद कहते हैं जी। आज 24वें रोजे की अवतार सर्द वतन पाकिस्तान में खौफ़ज़ा कर रहे हैं तैयार, जिसकी बहुत ज़्यादा दोस्तों ने फरमाइश की। और ब्रेक से पहले इमरान बाकर साहब मौजूद रहे, प्रोसेस जारी जी। यहाँ पे मज़े की इसकी खौफ़ज़े की करी हुई तैयार कोकोनट, ठीक है, नारियल की, जो ज़बरदस्त है जी। नारियल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा ख़वातीन मुझसे पूछ रही होती हैं टी वी पे, रेडियो की दुनिया में, ये स्किन के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं। आई थिंक नारियल इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि जो कोकोनट जो वाटर होता है नारियल का पानी, उसे एज अ ब्लड प्लाज्मा भी यूज़ किया जाता है दुनिया के बहुत से मुल्कों में बालों को उगाने के लिए। ऑन द अदर हैंड टिक्के का ज़बरदस्त मसाला बिल्कुल जस्ट अबाउट रेडी। ब्राउन प्याज इसके अंदर कोऑपरेट करते हैं, लेकिन हमने ब्राउन प्याज इसके अंदर शामिल कर ली थी बिटवीन द ब्रेक, ठीक है जी, ताकि ब्राउन प्याज का हम चाह रहे थे कि जो इस मसाले के अंदर जरा डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, इसका अपना ही मजा जब बाइट लेंगे। गार्निश के लिए कुछ जरा से ग्रीन चिलीज काट रहे हैं जी, हरी मिर्चें, विटामिन सी भी सेहत के लिए अच्छा, और जब आप बाइट लेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। जिस तरह हलीम के टॉप पर जो चीज़ें होती हैं, धनिया, प्याज, ठीक है जी, ब्राउन प्याज, इस तरह आपने इसके टॉप पर भी ऐड कर सकते हैं धनिया प्याज, ये सब चीज़ें। और साथ ही हमने लेमन भी रखेंगे जी टॉप पर, हम लेमन के स्लाइस भी रखेंगे, ठीक है जी, और कुछ मिर्चें ज़रा से और इसके अंदर भी ऐड करें, और साथ ही ज़रा सा ग्रीन कोरिएंडर। मज़ा आएगा जब कोरिएंडर का फ्लेवर भी आप इंजॉय कर सकेंगे, ठीक है जी। तो ये ग्रीन चिली भी ज़रा सी हम कर रहे हैं चॉप। लेट्स सी हमारा टिक्के का मसाला कहाँ तक पहुँचा जी। खुशबू बहुत आला और बिल्कुल टेंडर हो चुका है जी, चटपटा ज़रूर है, मसालेदार है, टेंडर हो चुका है, मीट सॉफ्ट हो चुका है। एज इट इज़ भी खाएं तो आपको यकीनन मज़ा आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जस्ट अबाउट रेडी, एंड लेट्स सी हमारी ये कोकोनट सॉस कहाँ तक पहुँची, जो किसकी जो कोकोनट सॉस कहें या करी कहें, वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं नारियल का ज़बरदस्त फ्लेवर डिसॉल्व हो चुका है। फेसबुक की दुनिया में जी ज़रूर ज्वाइन करें शेफ 21, या मुझे तलाश कर सकते हैं बालशाह के नाम से, वो पेज जिस पे 1 लाख और कोई 12,000 लाइक हो चुके हैं, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। चलते हैं प्रेजेंटेशन की जाने, बॉइल्ड स्पेगेटी, ठीक है जी, ज़रा ऐसे हम कॉल कर से फैला लेंगे हमारे इस प्लेटर में जिसमें हमने निकालना जी, ठीक है जी। इस तरह हमने बिल्कुल ये स्पेगेटी बॉइल्ड इस तरह आपने खोल के बिल्कुल बिछा लेना। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बॉइल हुई जी, ज़रा सा ऑयल ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें, पानी के अंदर बैक्टीरिया भी डेवलप, ये पानी के अंदर बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाते हैं सॉल्ट से, और एक ज़बरदस्त हो जाएगा जी। इसके साथ ही ये स्पेगेटी के बाद जो हमारी ये कोकोनट सॉस करी जो चुकी है तैयार, ये हम ले आएंगे यहाँ पर ऑन द टॉप ऑफ स्पेगेटी इस तरह से। क्या बात है जी, आला। खौफ़ज़े मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जी। फ्यू डेज बैक हमने एक और टेली टीवी पे बनाया, तो सोचा हमारे जो K21 न्यूज के जितने दोस्त हैं उनके लिए जरूर शेयर करनी चाहिए, और फरमाइश भी थी
सीमा नाज ने और हिना ने भी रिक्वेस्ट की थी, यूएस से मौजूद है जी आयशा लालानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि परदेस में बहुत से लोग कुकिंग शोज देख रहे होते हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। और टॉप पर ही हमारा खास टिक्के वाला मसाला जी, विच विल मेक इट मोर स्पेशल। ठीक है जी, जब आप बाइट लेंगे करी, साथ ही हमारा टिक्के वाला मसाला स्पेगेटी तो चटपटा जरूर है, जायकेदार है, बहुत ही आला। ठीक है जी, बात यहाँ खत्म ना होगी, बल्कि अब इसके अंदर जो जरा मैजिकल टच भी लाएंगे, टॉप पर जरा सा ग्रीन कोरिएंडर, कुछ मिर्चे और साथ ही चार मसाला, जिस तरह हलीम के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं हम, उसी तरह आपने जरा सा चाट मसाला आपने स्प्रिंकल करना है। लोग ब्राउन प्याज भी कुछ ऐड करते हैं, ग्रीन कोरिएंडर, कुछ लेमन, अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और साथ ही जो हमारी चार्ड की जान, बहुत ही खास क्रिस्पी जो ये पापड़ी जो होती है, ये भी क्रश ऑन द टॉप ऑफ खाव से कुछ इस तरह से, वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया जी। ठीक है जी, खाव से हो चुका है तैयार, वक्त आ चुका है इजाजत लेने का भी, जरा सी सफाई जो जरूरी है, सफाई टैक्सी मान। ठीक है जी, खुश रहें, शादोआबाद रहें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। बाकी चीजों को रिमूव करते हैं, जरूर ट्राई कीजिए और जरा सा बोर्ड को सेट कर लें, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। एवरी सिंगल डे इन द मंथ ऑफ रमजान 5 to 6 लाइव रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक। इसी बात के साथ लेते हैं इजाजत, जो हमने हमेशा बात की और कहेंगे और सच भी है कि हयात लेकर चलो चाहे कायनात, चलो तो जमाने को साथ लेकर चलो। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।